हेलो दोस्तों, उप संयोजक सीरीज का एपिसोड 8 आज आप देख रहे हैं। इससे पहले 7 एपिसोड देख चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि समावयवता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। प्रकार में आपने देखा था कि एक संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में अणुसूत्र समान, संरचना भिन्न। त्रिविम समावयवता में अणुसूत्र समान, त्रिविम विन्यास भिन्न। इसी तरीके से जो त्रिविम समावयवता थी वो दो प्रकार की थी, एक ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। अब ज्यामितीय समावयवता की भी परिभाषा आपको बोलनी है तो मैंने आपको कल एक बात कही थी कि समावयवता वर्ड आते ही आपने क्या कर देना है, आपने कह देना है दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं। लेकिन अब ज्यामितीय समावयवता क्या कह रहा है तो क्या कहोगे, ज्यामिति भिन्न होती है, उन्हें अब ज्यामितीय समावयवी कहते हैं और इस गुण को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। इसी तरीके से कोई भी परिभाषा हो आपने यही कहना है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान। अब ज्यामितीय समावयवता कह रहे हैं तो ज्यामिति भिन्न होगी, त्रिविम समावयवता कह रहे हैं तो त्रिविम विन्यास भिन्न होगा, आपको संरचनात्मक समावयवता कह रहे हैं तो आप कह दोगे संरचना भिन्न भिन्न। तो इस तरीके से आप परिभाषा किसी की भी लिख सकते हैं, परिभाषा लिखना महत्वपूर्ण नहीं है। आप आ जाओ ज्यामितीय समावयवता पर। पहले मैं ज्यामितीय समावयवता की शर्त लिख देता हूं कि ज्यामितीय समावयवता कब प्रदर्शित होगी। क्या मतलब है ज्यामितीय समावयवता का, मैं एक वर्गाकार समतलीय यौगिक लिख रहा हूं जिसके अंदर M एक केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे दो A एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं और दो B एक दंतुक लिगेंड जुड़े हुए हैं। ये A एक दंतुक लिगेंड अलग है, B एक दंतुक लिगेंड अलग है। ज्यामितीय समावयवता बनने के लिए क्या शर्त जरूरी है, क्या होना जरूरी है, ये मैं समझा देता हूं, आगे की कहानी सब आप अपने आप समझ जाएंगे। बच्चे देखो कि इसकी मैं वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बना रहा हूं, वर्ग बनाना है मेरे को। ये देखो आपने वर्ग बनाना है, यू ये लो ये बना दिया वर्ग, बीच में रखा केंद्रीय धातु परमाणु और इसके साथ चार जो है लिगेंड जुड़े हुए हैं जिसमें दो लिगेंड ए जुड़े हुए हैं, दो लिगेंड बी जुड़े हुए हैं। मैं दो लिगेंड ए ऐसे जोड़ देता हूं ए और ए, दो बी ऐसे जोड़ देता हूं बी और बी। अब आप देखें कि ये एक संरचना होगी, इसी का मैं एक दूसरा रूप बना रहा हूं जिसका अणुसूत्र तो यही होगा एम ए टू बी टू, अणुसूत्र तो यही होगा, लेकिन जो है इसका इसकी ज्यामिति भिन्न होगी। कैसे कि एक ए मैंने यहां पर बना दिया, दूसरा ए मैंने यहां पर बना दिया, एक बी मैंने यहां पे बना दिया, एक बी मैंने यहां पे बना दिया। तो ये दोनों रूप जो बने हैं, इन दोनों रूपों में यहां पर आप देखो कि जो समान लिगेंड है उन दोनों के बीच में यहां पे बंद कोण कैसा बन रहा है, 90 डिग्री का, क्योंकि वर्ग के विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। बी और बी के बीच में कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब समान लिगेंडों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो इस रूप को हम कहते हैं समपक्ष रूप। क्या कहते हैं, समपक्ष रूप, इंग्लिश में बोले तो सिस फॉर्म, एस आई एस, सिस फॉर्म कहते हैं जब समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण बने। लेकिन अगर समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन गया, ये देखो ए और ए के बीच में ये पूरी लाइन ऐसे सीधी बन रही, कितने डिग्री कोण बन रहा है, 180 डिग्री का। ये बी और ये बी इन दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण बन रहा है, ये देखो 180 डिग्री का। अगर समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा होता है तो आप उसको क्या कहते हो, विपक्ष रूप, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये विपक्ष रूप। तो समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण तो समपक्ष, समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का कोण तो विपक्ष रूप। अच्छा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि समान लिगेंड पास पास हो और तो समपक्ष रूप, और समान लिगेंड अगर एक दूसरे के विपरीत स्थितियों पर उपस्थित हो तो इसको कौन सा रूप कहते हैं, विपक्ष रूप। तो बच्चों आप एक चीज स्टार डाल करके नोट कर लो कि ज्यामितीय समावयवता उन्हीं संकुलों में पाई जाएगी जिनके समपक्ष और विपक्ष रूप बनेंगे। यही है कि देखो अणुसूत्र तो दोनों का ही एम ए टू बी टू है लेकिन दोनों की ज्यामिति भिन्न है, इसकी समपक्ष ज्यामिति है, इसकी विपक्ष ज्यामिति है,
तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ज्यामितीय समावयवी होंगे, और इस गुण को हम क्या कहेंगे, ज्यामितीय समावयता। आपने स्टार डाल करके क्या बात नोट कर लेनी है, दिमाग में क्या बात बिठा लेनी है कि जिस संकुल का समपक्ष विपक्ष रूप बनेगा वही ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करेंगे, अगर किसी का समपक्ष विपक्ष रूप नहीं बनेगा तो वो ज्यामितीय समावयता भी प्रदर्शित नहीं करेंगे। और समपक्ष रूप कैसे बनता है और विपक्ष रूप कैसे बनता है ये आपने सीख लिया। तो ये शर्त सीखने के बाद में आप बात करेंगे कि ज्यामितीय समावयता किन संकुलों में पाई जाती है। आप देखें कि ज्यामितीय समावयता दो तरीके के संकुलों में पाई जाती है, एक तो समन्वय संख्या चार वाले संकुलों में, समन्वय संख्या चार वाले संकुलों में, और दूसरा किसमें, जिनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, समन्वय संख्या छह वाले संकुलों में, समन्वय संख्या छह वाले संकुलों में। समन्वय संख्या चार का मतलब क्या है कि कितने बंद बनेंगे, चार उपसंयोजक बंद बनेंगे, और चार उपसंयोजक बंद बनेंगे ना तो इनका संकरण दो तरीके का होगा। आप अगर किसी को याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। अगर समन्वय संख्या चार होती तो चार उपसंयोजक बंध बनते हैं, और चार उपसंयोजक बंध बनते हैं ना बच्चों तो संकरण दो तरीके के हो जाते हैं। संकरण कौन कौन से दो तरीके के हो जाते हैं, एक तो होता है DSP2, या आप ऐसे कर लें कि इसको मैं लिख देता हूं, संकरण दो तरीके के हो जाते हैं, कौन कौन से, या ऐसे लिख लो ठीक है, DSP2, एक अक्षर डी, एक एस और दो पी, कितने हो गए चार। तो इसका मतलब एक तो ये वाला संकरण हो सकता है, ये संकरण हो सकता है, या अगर समन्वय संख्या चार है तो एक संकरण ये हो सकता है SP3 संकरण, ये दो संकरण हो सकते हैं समन्वय संख्या चार वालों में, एक एस और तीन पी चार हो गए, तो ये दो तरीके के संकरण हो सकते हैं। जब DSP2 संकरण होता है तो ज्यामिति होती है वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। अब वर्गाकार समतलीय कैसी होती है, जैसे मैंने अभी बनाई थी, ऐसे वर्ग होएगा और बीच में केंद्रीय धातु परमाणु होंगे और चार लिगेंड जो है वो इस तरीके से जुड़े होंगे, ये लिगेंड इस तरीके से चार लिगेंड जुड़े होंगे, तो ये तो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति होगी। और इसके अंदर कोण भी 90 और 180 बन सकते हैं। इसके अंदर अगर अपने बात करें कि SP3 संकरण जब होता है तो ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, कैसी होती है बच्चों, चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय ज्यामिति कैसी होगी, बीच में केंद्रीय धातु परमाणु, यूं एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड और चार लिगेंड, इस तरीके से चार लिगेंड जुड़े होंगे। इसके अंदर तो 90 का बंध कोण भी बन रहा है और 180 का भी बन रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, चतुष्फलकीय के अंदर सारे के सारे बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, सारे के सारे बंध कोण कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। तो ये और इसके बीच में भी 109 डिग्री 28 मिनट है, इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री 28 मिनट है, इनके बीच में भी, सबके बीच में 109 डिग्री 28 मिनट है। तो इसका मतलब इसमें 90 और 180 वाली स्थिति तो आ ही नहीं सकती, 90 और 180 की स्थिति नहीं आ सकती, तो समपक्ष विपक्ष रूप नहीं बन सकते, समपक्ष विपक्ष रूप नहीं बन सकते, इसलिए ये ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करता, ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करता, नहीं करता। तो ये हो गया एक क्वेश्चन, 12th बोर्ड का पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि चतुष्फलकीय समन्वय संख्या चार और चतुष्फलकीय ज्यामितीय ज्यामिति वाले संकुल ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते क्यों, तो आपका बिल्कुल सीधा सा आंसर है, क्या कहोगे, क्योंकि इसके अंदर सभी बंद कोण एक समान होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, इसलिए इसके समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनते, और समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनते तो ये ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया कि भाई चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले संकुल ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते क्यों, तो आप कहोगे क्योंकि इसमें सभी बंद कोण एक समान 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, इसलिए ये इसमें समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं बन सकता, इसलिए ये ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते। तो इसका मतलब ये एक चीज तो हो गई खत्म,
ए प्रकार तो गया खत्म कि ये ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो समन्वय संख्या चार वालों में जो वर्गाकार समतलीय ज्यामिति वाले संकुल है उनके अंदर आप बात करेंगे ज्यामितीय समानता की। समन्वय संख्या छह वाले अपने बाद में लेते हैं, तो समन्वय संख्या चार वालों में अपने ज्यामितीय समानता की बात करते हैं। देखो बच्चों, अब समन्वय संख्या चार वाले संकुलों में और वर्गाकार ज्यामिति वाले संकुलों में किस कितने प्रकार के संकुल हो सकते हैं आप देखो। एक तो ये हो सकता है एम ए टू बी टू प्रकार का यौगिक हो सकता है, एक आपके पास हो सकता है एम ए टू बी सी हो सकता है, और एक आपके पास हो सकता है तीन नंबर एम ए बी सी डी, और एक हो सकता है आपके पास एम कैपिटल ए कैपिटल बी की होल ट्वाइस। ये इस तरीके का संकुल हो सकता है, ये चार तरीके के संकुल हो सकते हैं जिनके अंदर समन्वय संख्या चार है और वर्गाकार ज्यामिति है, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है, उनके अंदर ज्यामितीय समानता वाले ये चार ही एग्जाम्पल हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। मैं बताऊंगा कैसे नहीं हो सकते, ये एग्जाम्पल है तो मैं पहले को बढ़ाता हूं। पहले के अंदर क्या है, पहले मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं, ये तो मॉडल एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल समन्वय संख्या चार का एग्जाम्पल लिखना होता था ना धातु, आप पीटी ले लेना बस, पीटी क्या लोगे पीटी, इसकी वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में पाया जाता है ये। अब दो एक दंतुक लिगेंड लेने ए, मतलब एक जैसे होने चाहिए एन एस थ्री की ट्वाइस, दो एक दंतुक लिगेंड लेने जो दूसरे तरीके के होने चाहिए येलो सी एल टू, ये पहले का एग्जाम्पल हो गया ये वाला। अब इसके में ये बाद में नोट करते हैं अपने, इसके मैं समपक्ष और विपक्ष रूप बनाता हूं। समपक्ष और विपक्ष रूप ये लो बच्चों, वर्गाकार समतलीय ज्यामिति, ये वर्ग बीच में धातु, चार लिगेंड इस तरीके से जुड़ेंगे एन एस थ्री पास पास में कर दोगे, सीएल सीएल पास पास में कर दोगे, तो ये लो ये बन गया समपक्ष रूप। और इसका विपक्ष रूप बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, ये वर्ग बीच में धातु और इसके साथ में एक एन एस थ्री यहां पर बना लो, दूसरा एन एस थ्री यहां पर बना लो, एक सी एल यहां पे, एक सी एल यहां पे, समान लिगेंड विपरीत स्थितियों पर कर दोगे और ये बड़ा ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तो ये रूप बन जाएगा विपक्ष। समपक्ष विपक्ष रूप बन रहे हैं तो ज्यामितीय समानता पाई जाएगी, पहला मॉडल एग्जाम्पल हो गया ज्यामितीय समानता का। ओके, अब दूसरा जो है एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने कि अगर दूसरा मॉडल क्या बनाया था मैंने अभी यहां पर लिखा था एम ए टू और बी टू ना होकर के एक बी और एक सी हो, मतलब ये दोनों लिगेंड अलग अलग तरीके के हो, तो आप यहां पर क्या कर लो, यहां पर कर लो आप एक बी आर लिगेंड लिख लो और एक सी एल लिख लो, ये लो अब बी एक हो गया सी एक हो गया, अलग अलग लिगेंड हो गए, तो अब समपक्ष रूप बनाओगे तो यहां पर आप बी आर कर दो और सी एल कर दो। अब आपने इन दोनों को देखना है, ये दोनों पास पास तो समपक्ष, और ये दोनों एनएस थ्री विपरीत स्थितियों पर, क्योंकि ये तो दोनों अलग अलग लिखे हैं, ये दोनों विपरीत स्थितियों पर है तो ये कौन सा रूप हो गया विपक्ष रूप, तो ये दूसरे का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। जब बी सी अलग अलग आ जाए, पहले तो क्या होता था ये दोनों एक जैसे होते थे, ये दोनों एक जैसे होते थे, तो ये वाले पास पास ये वाले पास पास, लेकिन अब ये दो ही एक जैसे हैं तो इन दोनों को पास पास और ये दोनों विपरीत स्थितियों पर, तो समपक्ष विपक्ष इन्हीं को देख करके उन्होंने बना देना है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल आप देखो, आपको कहा गया कि एम ए बी सी डी, चौथा तीसरा एग्जाम्पल जिसमें एम ए बी सी डी, ये लो इसका एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं बच्चों। समन्वय संख्या चार और वर्गाकार समतलीय वाली ज्यामिति वाला एग्जाम्पल आपको बनाना है ना, तो आप इस चीज को याद ही रख लो कि क्या लोगे धातु पीटी प्लेटिनम लेनी है। अब चार एक दंतुक लिगेंड लेने हैं, चारों अलग अलग, चारों अलग अलग, तो मैंने क्या लिख दिया एन एस थ्री, मैं लिख दिया एच टू ओ, मैं लिख दिया बी आर, मैं लिख दिया सी एल, ये मेरे पास चार एक दंतुक लिगेंड हो गए। ये भी इसमें भी ज्यामितीय समानता पाई जाएगी। कैसे ज्यामितीय समानता पाई जाएगी कि अगर मैं यूं बना दूं, ये वर्गाकार समतलीय ज्यामिति बनानी है, आप देखो इसको कैसे बनाना है, ये बीच में पीटी हो जाएगा और चार लिगेंड जो है इस तरीके से जुड़ेंगे,
चार लिगेंड जुड़े हुए हैं, आप लिख लो कौन कौन से। एक तो है NH3, एक है H2O, एक है Br और एक है Cl। इसके रूप कैसे बनेंगे, इसको समपक्ष विपक्ष नहीं बोलेंगे अपने, अपने एक ही सबको एक अलग अलग रूप ही बनाने हैं बस। जो NH3 को स्थिर मान लो और इसके साथ विपरीत विपक्ष स्थिति पर ना तीनों को एक एक बार ले लो, एक बार Br ले लिया, एक बार H2O ले लो, एक बार Cl ले लो, तो इसके तीन ज्यामितीय रूप बनेंगे। इसको आप ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना भाई क्या है कि ये लो इसका दूसरा रूप बनाना है तो आपको PT और आपने NH3 को स्थिर किया है और H2O यहां ले आए हो तो Br ऊपर चला गया है और Cl यहां आ गया है। अगला रूप कि एक बार फिर अब विपरीत स्थिति पर एक आने वाला रह गया कौन, Cl। NH3 के विपरीत एक Cl और ले लो, इट मीन Cl यहां से यहां आ गया तो H2O यहां आ जाएगा और Br यहां आ जाएगा, और कोई पोजीशन पॉसिबल नहीं है, और घुमाओगे तो वापस क्या हो जाएगा कि वापस Br इसके विपरीत स्थिति में आ जाएगा। तो इसके कितने रूप संभव हैं, तीन रूप, ये तीन ज्यामितीय रूप जो है इसके संभव हैं। अगर इनमें से मैं ऐसे मानूं कि अगर NH3 के पास H2O है तो मैं इसको समपक्ष रूप कहूं तो ये भी समपक्ष हो जाएगा, ये भी समपक्ष हो जाएगा और विपक्ष रूप एक ही बनेगा ऐसे। हालांकि इसको समपक्ष विपक्ष कहना उचित नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि किसी एक को मान लेता हूं, मैं इसको H2O को मान लेता हूं, ये इसकी समपक्ष रूप में तो ये इसका क्या हो जाएगा समपक्ष रूप और ये विपक्ष तो एक ही आएगा। ठीक है, आपको ऐसा बोलना नहीं है, बस यूं बना दो। आपसे प्रश्न क्या आएगा कि MABCD संकुल के कितने ज्यामितीय समावयवी पाए जाते हैं, तो MABCD के कितने ज्यामितीय समावयवी पाए जाएंगे, तीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्वेल्थ का भी, कंपटीशन का भी, और बनाना पड़ जाए, ट्वेल्थ में बनाना पड़ता है तो आप इस तरीके से बना भी सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया आपका कंप्लीट। ओके, अब देखो ये साफ कर रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बना लेना है बुक के अंदर, कॉपी के अंदर। अब चौथा एग्जाम्पल करवा देता हूं कि इसने कहा था चौथे के अंदर ये MAB की होल ट्वाइस ऐसे बोला था। अब इस AB का क्या मतलब है, AB का मतलब समझ ले पहले फिर मैं बताऊंगा। AB का मतलब है जी द्विदंतुक लिगेंड। कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। अब द्विदंतुक लिगेंड को AA भी लिख सकते थे लेकिन इसने AB लिखा है। AB लिखने का मतलब क्या है कि इसके अंदर दाता परमाणु जो है वो भिन्न भिन्न होंगे। दाता परमाणु क्या होंगे, भिन्न, अलग अलग दाता परमाणु होंगे AB के अंदर। इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, जो जिस द्विदंतुक लिगेंड हो लेकिन दाता परमाणु दोनों अलग अलग हो। ऐसा मैंने जब लिगेंड के प्रकार बताए थे ना तब मैंने बताया था आपको, और इसका एग्जाम्पल था ग्लाइसिनेटो। क्या एग्जाम्पल था, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, इस पर -1 आवेश होता है, आप बढ़ाओ तो चतुष्फल की ज्यामिति PT, मतलब चार समन्वय संख्या के लिए PT लोगे धातु। अब एक ऐसा द्विदंतुक लिगेंड जिसमें दाता परमाणु दो अलग अलग हो कौन सा आ जाएगा, ग्लाइसिनेटो, GLY की ट्वाइस, और ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बनाओ तो कैसे बनाओगे, आपने क्या किया यहां पर इसकी वर्गाकार संतुलीय ज्यामिति बनाओगे ऐसे ऐसे, ये PT और चार उपसंयोजक बल। अब इधर क्या है, आप ग्लाइसिनेटो का सूत्र याद करो क्या था, C डबल बॉन्ड O O-, ये माइनस, ये वाला उपसंयोजक बंध बना रहा था। एक यहां पर हुआ करता था CH2, यहां पे बंध बनाया करता था NH2, ये ग्लाइसिनेटो की संरचना थी। इधर आप देखें तो फिर यहां पे बना लेंगे C डबल बॉन्ड O O, ये बंध बन गया यहां पे, थोड़ा सा आगे कर लो ये लो, और दूसरा यहां पर CH2 और यहां पर क्या आ जाएगा NH2, ये इसके साथ बंद बना रहे हैं। अब इधर N और N बंद बना रहे हैं, इधर N O और O बंद बना रहे हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण, तो ये रूप कौन सा हो गया, समपक्ष रूप हो गया, ये समपक्ष रूप हो गया। इसका अगर विपक्ष रूप बनाना है तो विपक्ष रूप कैसे बनेगा, वही आप बना लो वर्ग, ये लो ये बन गया वर्ग धातु PT और ये चार बंद हो गए। अब आपको विपक्ष रूप बनाना है, विपक्ष रूप बनाना है तो आप क्या करो, C डबल बॉन्ड O O, यहां पर क्या लिखोगे, या ऐसे कर लो यहां पे कर देते अपने CH2 NH2,
यहां पर कर लो सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहां पे कर लो सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और यहां पे हो जाएगा सी एच टू और एन एच टू एन एच टू। अब यहां पे एन और एन बंद विपरीत 180 डिग्री कोण पर बना रहे हैं, ओ और ओ उससे संयोजक बंद 180 डिग्री कोण पर बना रहे हैं। तो ये हमारे पास था समपक्ष रूप, और ये रूप कौन सा हो गया, विपक्ष रूप। तो इस तरीके से ये एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी से तैयारी करने का मतलब क्या है, अभी से तैयारी करने का मतलब है हम सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चैप्टर के सारे पॉइंट जो है वो क्लियर करते चलें। अगर इन शॉर्ट पढ़ना है तो वो शॉर्ट पढ़ने का टाइम जो जनवरी फरवरी के अंदर या दिसंबर के अंदर आता है, तो ये जो इसके समपक्ष विपक्ष रूप ये आपको बनाने आने चाहिए। बुक के अंदर ये नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन कंपटीशन में ये आ सकता है, इसलिए इसको आप देख लें भी। चलो, इस तरीके से ये चार ही प्रकार है जिनके अंदर वर्गाकार समतलीय ज्यामिति समन्वय संख्या चार वाले संकुलों में ज्यामितीय समानता पाई जा रही है, बाकी में नहीं पाई जाती। अब मैं कहूं कि बताओ एम ए फोर में ज्यामितीय समानता पाई जाएगी क्या? अब ए फोर वर्ग बढ़ाओ, ए लिखो, कौन सा समपक्ष रूप बनाओगे, कौन सा विपक्ष बनाओगे, बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाती। आप एम ए थ्री बी बढ़ा लो, अब इसके अंदर आप यूं वर्ग बढ़ा लो और M और चार बंद A बना लो, A A A और ये B। अब इसको जैसे मर्जी घुमा करके देख लो, तीन A एक साइड ही आएंगे, B एक साइड ही आएगा, तो इट मींस इसका विपक्ष रूप कहीं भी नहीं बनेगा। इसलिए समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनेंगे तो ज्यामितीय समावयता भी नहीं पाई जाएगी। आपको कंपटीशन के अंदर जो मैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं कंपटीशन के क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपने आपको पूछा जाएगी किसमें ज्यामितीय समावयता पाई जाएगी किसमें नहीं पाई जाएगी, तो आपके माइंड में एक ही कंसेप्ट होना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। क्या कंसेप्ट होना चाहिए कि समपक्ष विपक्ष रूप बनेंगे तो ज्यामितीय समानता पाई जाएगी, नहीं बनेंगे तो नहीं पाई जाएगी। तो ये कंसेप्ट जो है आपका ध्यान में रहना चाहिए, इनमें ज्यामितीय समानता नहीं पाई जाती, समन्वय संख्या चार वालों की बात कर रहा हूं, और जो मैंने बाकी एग्जाम्पल बनाए थे उनमें पाई जाएगी, उनमें भी बाकी सब में दो दो रूप बनेंगे, लेकिन एम ए बी सी डी वाले जो संकुल थे उसके तीन ज्यामितीय रूप बनेंगे। तो ये समन्वय संख्या चार वाले संकुलों में ज्यामितीय समावयता हुई कंप्लीट। अब मैं नेक्स्ट प्रकार लिख रहा हूं समन्वय संख्या छह वाले, समन्वय संख्या छह वाले संकुलों में, छह होते हैं ना, तो जब छह बंद बनेंगे तो छह बंद बनेंगे तो संकरण दो प्रकार के हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा D2SP3 संकरण, D2SP3 संकरण, एक होता है SP3D2 संकरण, इसमें भी दो एक तीन और तीन छह, इसमें एक तीन चार और दो छह, तो दोनों में ही संकरण जो है D2SP3 और SP3D2 संकरण होगा। समन्वय संख्या छह वालों में, चार वालों में कौन सा था, DSP2 और SP3, SP3 वालों में ज्यामितीय समावयता नहीं पाई जा रही थी, DSP2 वालों में पाई जा रही थी। इसके अंदर दोनों की ज्यामितीय अष्टफलकीय होती है, इनकी ज्यामिति में अंतर नहीं होता, संकरण दोनों के भले ही अलग हों लेकिन दोनों की ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय होती है। तो अष्टफलकीय ज्यामिति में किसी प्रकार दोनों का अष्टफलकीय ज्यामिति होती है तो दोनों में ही ज्यामितीय समावयता पाई जाएगी। अपने ऐसा नहीं कह सकते भी इसमें नहीं पाई जाएगी इसमें पाई जाएगी, ऐसा नहीं है, दोनों में ही पाई जाएगी क्योंकि दोनों की ज्यामिति कैसी है, अष्टफलकीय है। तो बच्चों आपको अब क्या सीखना है कि नंबर एक बात तो अष्टफलकीय ज्यामिति बनती कैसे, दूसरी बात कि उनमें किस किस तरीके से ज्यामितीय समावयता पाई जाएगी, ये दोनों लिखेंगे और उसके बाद बात करता हूं मैं नेक्स्ट। देखो अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं, मॉडल्स लिखते हैं इसके। मैंने लिखा पहला एग्जांपल एक एम ए फोर बी टू प्रकार के संकुल, एम ए फोर बी टू में स्मॉल ए का मतलब एक दंत डुप्लीकेट है, ए और बी लिखने का मतलब है दोनों एक दंत डुप्लीकेट अलग अलग प्रकार के हैं, ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, आप अब सीख जाना चाहिए आप। देखो अब मैं इसकी अष्टफलकीय ज्यामिति बना रहा हूं, अष्टफलकीय ज्यामिति बनानी आनी चाहिए, पहले सीखेंगे अष्टफलकीय ज्यामिति कैसे बनेगी। आपको अष्टफलकीय ज्यामिति जो होती है ना इसको हम वर्गाकार द्विपिरामिडीय ज्यामिति भी कहते हैं, तो
तो वर्गाकार द्वीप पिरामिडी कैसे बनेगी, पहले आप वर्ग बढ़ाओ, ये मैंने वर्ग बनाया इस तरीके से, ये बन गया वर्ग, ओके। और इसके अंदर धातु लगा दी, चार बंद तो ऐसे, ये तो वर्गाकार पहले आप बना चुके हो। द्वीप पिरामिड का मतलब एक पिरामिड ऊपर बनाना है, दूसरा पिरामिड नीचे बनाना है, लेकिन ये वाला बंद आपने यहां से शुरू नहीं करना है, यहां से शुरू करना है, ध्यान रखना, यहां से शुरू करना है। ये इस तरीके से है, आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये बीच में वर्ग होगा, उसके एक पिरामिड ऊपर होगा, एक पिरामिड नीचे होगा, ये इस तरीके की ज्यामिति होगी, ऐसे आप देख रहे हैं, ये वर्ग एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ये वर्गाकार द्वीप पिरामिड की ज्यामिति है, ठीक है। तो इसके अंदर इसलिए जो नीचे वाला बंद है वो अपने यहां से शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसके नीचे है ये, ठीक है, यहां से शुरू कर देंगे तो सही नहीं लगेगा। आप चेक करें कि इसके अंदर चार एकदंतु लिगेंड है, अब ये तो अष्टफल की ज्यामिति आपको कैसे बनानी है आपको पता लग गया। अब इसका समपक्ष और विपक्ष रूप बनाता हूं, समपक्ष और विपक्ष, समपक्ष का मतलब आप यहां से शुरू करो, ए दो तीन चार और पांच छह, ये लो ये समपक्ष रूप हो गया कंप्लीट, सारे ए एक साथ, सारे बी एक साथ, सारे बी एक साथ, तो ये हो गया समपक्ष रूप। विपक्ष रूप बनाना है तो आप क्या करो कि ये वर्ग बनाया, अब इस वर्ग के अंदर बीच में धातु और यहां पर ये ए ये ए ये ए ये ए, एक भी यहां पर एक भी यहां पर, तो ये रूप कौन सा हो जाएगा, विपक्ष रूप। इसका अगर एग्जाम्पल बनाना है आपको, एग्जाम्पल ये तो मॉडल है, आपको एग्जाम्पल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समन्वय संख्या छह वाला संकुल धातु लेना पड़ेगा, ऐसा धातु लेना पड़ेगा जो छह बंद बनाता हो, और छह बंद बनाने वाले का जब भी एग्जाम्पल लेना हो आप क्या ले सकते हो, सी ओ ले सकते हो, सी आर ले सकते हो, और एक दंतुक लिगेंड लेना है चार तो एन एस थ्री ले लो चार, और बी एक दंतुक लिगेंड लेने हैं तो आप ले लो सी एल टू। आप देखो सीओ पर प्लस तीन होता है, ये जीरो ये माइनस एक, दो है तो माइनस दो, प्लस तीन माइनस दो, प्लस का एक बचा आपने ऊपर लिख दिया, ये इसका एग्जाम्पल बन जाएगा। अब क्या करो इसके अंदर इसको फिट कर लो, ये लो ए की जगह अमोनिया लिख दो, एन एस थ्री और एन एस थ्री और यहां पर एन एस थ्री, यहां पर सी एल और यहां पर सी एल, इस पूरे के ऊपर प्लस, ये तो रूप कौन सा हो गया, समपक्ष रूप, कौन सा रूप हो गया, समपक्ष रूप। और अगर विपक्ष रूप बनाना है तो यहां पे एन एक्स थ्री, बीच में धातु क्या आ गई आपके पास, सी ओ, यहां पे एन एक्स थ्री और एन एस थ्री, ए की जगह एन एस थ्री, बी की जगह सी एल, बी की जगह सी एल, ये लो विपरीत स्थितियों पर आ गए, तो इसको आप कौन सा रूप कह दोगे, विपक्ष रूप, बड़ा ब्रैकेट यहां पर भी लगेगा और प्लस यहां पर भी आएगा, ये समपक्ष और विपक्ष रूप बन जाएंगे एम ए फोर बी टू टाइप के कॉम्प्लेक्स के अंदर। अगर इसके अंदर बी टू की जगह नेक्स्ट क्या हो जाए, बी सी, तो इसका मतलब है आपको ये वाले एक दंतु लिगेंड दो अलग अलग लेने पड़ेंगे, दो अलग अलग लेने का मतलब क्या हो गया कि एक बी और सॉरी एक बी आर और एक सी एल, तो यहां पर बी आर कर दो, ये लो ये बी आर कर दो, ये भी हो जाएगा समपक्ष और विपक्ष, ये भी बन जाएंगे। आप देखें कि ये जो ज्यामिति समावयता वाला टॉपिक मैंने कल जब वीडियो खत्म की थी मैंने कहा था आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सारा का सारा ट्रिक ही है, आपको ट्रिक बताई जा रही है, सीधा ही बन रहा है, आपको बहुत ज्यादा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, अगर रट्टे मारोगे तो याद ही नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप इस चीज को समझ जाते हो कि भाई ये समपक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, कैसे बन रहा है, तो फिर आपको कभी भी दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लो, नोट्स बना लो, बस भूल जाओ, अपने आप क्वेश्चन होंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा। अब क्या करना है अपने को, फिर जो एक दंतुक लिगेंड वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं उनको मैं पहले सॉल्व कर देता हूं, इसके बाद अपने तीसरे तरीके का मॉडल एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं, तीसरे तरीके का, गौर करना बच्चों, ये ट्वेल्थ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बना रहा हूं, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए और कंपटीशन में भी इसका क्वेश्चन आएगा, वो भी कैसे आएगा वो बता देता हूं मैं। मॉडल है एम ए थ्री बी थ्री,
क्या आपको पता लगने लग गया? ए थ्री क्या है? एक दंतु लिगैंड, तीन एक दंतु लिगैंड एक जैसे हैं, तीन एक जैसे हैं। अगर इसका एग्जाम्पल बनाना है तो आप क्या करोगे, ये तीसरा प्रकार आ गया और एग्जाम्पल बनाना है तो आपके पास छह समन्वय संख्या वाला धातु, मैंने क्या कहा छह वाला कौन सा लोगे, या क्रोमियम या कोबाल्ट या आयरन, तो आप कोबाल्ट ले रहे हो, कोबाल्ट देते जाओ बस। तीन एक दंतु लिगैंड ये लो NS3 की होल थ्राइस, तीन दूसरे Cl3 ये लो, आवेश भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि प्लस तीन माइनस तीन जीरो, NS3 का कुछ नहीं होता, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसको बना रहा हूं गौर करना कि मैंने बनाया अष्टफल की ज्यामिति बनानी है, अष्टफल की ज्यामिति बनाना आप पहले सीख चुके हैं, इस तरीके से वर्ग बनाना है, बीच में धातु बनानी है, इसके साथ आपने यू चार बंद बनाए हैं, एक बंद ऊपर एक नीचे ऐसे। अब तीन समपक्ष रूप बनाना है, समपक्ष रूप में NS3 एक साथ रखने पड़ेंगे, ये लो मैं NS3 एक साथ रख रहा हूं, NS3 और NS3 और ClCl एक साथ रखने हैं तो ये लो ClCl, ये कौन सा रूप हो गया, समपक्ष रूप हो गया, ठीक है। और इसका मैं विपक्ष रूप बनाऊं तो आपको बस विपक्ष रूप में एक ही परिवर्तन करना है, आप बनाना सीख लें बस कि विपक्ष रूप में आपने एक ही परिवर्तन करना है, CO धातु चार बंद ये वाले और एक बंद ऊपर एक बंद नीचे, इसके अंदर क्या कर दो NS3 के विपरीत स्थिति में NS3 ले आओ, ठीक है, और एक Cl के विपरीत स्थिति में Cl ले आओ, बाकी एक NS3 और एक Cl जहां बच गया उसको लगाना ही पड़ेगा, उसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं, जहां जो दो आपने विपरीत स्थितियों पर ले लिए बस, ठीक है, ये विपक्ष रूप हो गया आपका, विपक्ष रूप कैसे, Cl विपरीत है, NS3 विपरीत है, इन दोनों को आप नहीं कंसिडर करेंगे, इनको छोड़ दो, ये समपक्ष रूप हो गया, ये विपक्ष रूप हो गया। अब इस ये इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो ये बनाना इंपॉर्टेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप इसको गौर से देखें तो ये जो यहां से इसको मैं इससे मिला दूं ऐसे, और इसको मैं मिला दूं इससे, मतलब सारे NS3 को मिला दूं, तो उसका पूरा ये एक फलक जो है ना वो NS3 लिगेंड से बना हुआ है, एक पूरा का पूरा फलक NS3 लिगेंड से बना हुआ है। और अगर इसी तरीके से मैं इस Cl को इससे मिला दूं ऐसे, और इसको मैं इससे मिला दूं ऐसे, तो ये पूरा एक फलक ऐसे नीचे बड़ा, ये पूरा एक फलक जो है वो तीन एक समान लिगेंडों से बना हुआ है। एक बार इसको नोट चेक करो कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है कि यूं ऐसे था, चेक करो बच्चों ऐसे। अगर मैं कहूं, गौर करना प्लीज, समझने की कोशिश करो, अगर मैं कहूं एक NS3 यहां है, एक NS3 यहां है, एक NS3 यहां है, इस पूरे का यहां पे एक फलक बनाया ऐसे करके यूं एक पूरा एक फलक ऐसे बनाए, तो यहां पर NS3 है, यहां पर NS3 है, यहां पर NS3 है, तो ये पूरा फलक NS3 का बन गया। इसी तरीके से अगर यहां पर मैं बढ़ा रहा हूं तो नीचे जो है यहां पर Cl है, यहां पर Cl है और यहां पर Cl है, तो ये ऐसे और ऐसे ये मिलाओगे तो ये पूरा एक फलक जो है ऐसे, आप देख लो यूं ऐसे एक पूरा फलक, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, यहां पर Cl है, ऐसे मिलाओगे तो ये पूरा एक फलक Cl का बन गया। तो इसका मतलब है एक पूरा फलक समान लिगेंडों का बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समपक्ष रूप को फलकीय समावेवी कहते हैं, फलकीय समावेवी रूप कहते हैं, या इसको फलकीय को फेशियल कहते हैं, तो इसलिए फेस आइसोमर भी कहते हैं इसको अपने, क्या कहते हैं बच्चों, फेस आइसोमर या फलकीय समावेवी, फलक समावेवी भी कहते हैं, फलकीय समावेवी कहते हैं, या फेस आइसोमर भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक फलक जो है समान लिगेंडों से बना हुआ है, ये वाला फलक समान लिगेंडों से, ये वाला फलक समान लिगेंडों से बना हुआ है, इसलिए इसको फलकीय समपक्ष रूप को फलकीय समावेवी कहते हैं। किसमें, MA3B3 वाले में ऐसा है, बाकी किसी में नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इधर आओ, यहां पर क्या बन रहा है, ये पूरी एक रेखा बन रही है इसकी, ये पूरी एक रेखा बन रही है, तो इसलिए इसको रेखांशिक समावेवी कहते हैं, रेखांशिक समावेवी कहते हैं, और रेखांशिक को इंग्लिश में मेरिडोनल कहते हैं, इसलिए इसको MER आइसोमर कहते हैं, मर आइसोमर कहते हैं, ठीक है। तो ये फेस आइसोमर और ये मर आइसोमर, ठीक है, मर का मतलब मेरिडोनल, मेरिडोनल का मतलब रेखांशिक, रेखांशिक कैसे, ये रेखाएं और ये रेखाएं,
ये फर्क ये है फेस फेशियल आइसोमर, फेशियल मतलब ये देखो ये फेस बन रहा है, ये देखो ये पूरा एक फेस बन रहा है, फेस मतलब फर्क पूरा बन रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जाएगा फलकीय या रेखांशिक समावयवी किन में पाए जाते हैं, बढ़ा के बताओ, तो आप इस तरीके से बढ़ा देंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है, अब इनके अंदर जो जिनमें एक दंतुक लिगेंड पाए जा रहे हैं, इसको अच्छे से बढ़ा लेना, वीडियो पॉज करके आप साफ सुथरा बना लेना। नेक्स्ट जो है एक दंतुक लिगेंड वाले जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, अब मैं सीधा कंपटीशन वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, इधर गौर करो। कंपटीशन वाले क्वेश्चंस के अंदर एक एग्जांपल पहले एक और बता देता हूं फिर करवाता हूं, गौर करो। एक मैंने ये प्रकार लिख दिया एम ए ए की ट्वाइस और बी टू, ये लिख दिया, इसके समपक्ष विपक्ष रूप भी बनेंगे। कैसे बनेंगे, पहले एग्जाम्पल लिखो, ये ए ए का मतलब क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, कैपिटल ए आता ही क्या मतलब द्विदंतुक लिगेंड, और ए ए लिख दिया तो मतलब इस द्विदंतुक लिगेंड में जो दो दाता परमाणु होंगे ना दोनों एक जैसे होंगे। जैसे मैंने छह समन्वय संख्या वाले में सी ओ जिसमें दो दाता परमाणु एक जैसे हो, कौन सा हो जाएगा ई एन की ट्वाइस, दोनों में नाइट्रोजन होते हैं, और दूसरा सी एल टू, बी के अंदर सी एल टू आप लेते ही हो, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि EN पर कोई आवेश नहीं है, CL पर माइनस एक दो है तो माइनस दो, CO पर प्लस तीन, प्लस तीन माइनस दो प्लस का एक ऊपर बच गया। अब इसके आपको समपक्ष और विपक्ष रूप बनाने हैं, गौर करना कि आप इसको सीख लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में है, सिलेबस में है, बहुत अच्छे से सीखना है आपको, क्या करना है ऐसे, ये लो आपने CO बना लिया, और प्लीज इसको गौर करना, यहां अगर आपने पलक झपका ली तो फिर आपसे ये नहीं बनेगा। ई एन द्विदंतुक लिगेंड है, इसका मतलब ये कितने बंद बनाएगा, एक ई एन कितने बंद बनाएगा, दो, एक ये वाला बंद और एक ये वाला बंद, एक ई एन बना रहा है, ये दो इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि एक ई एन दो बंद बनाता है, तो एक ये वाला बंद एक ये वाला बंद दोनों ये एक ही एन बना रहा है। इसी तरीके से एक ई एन में यहां पर लिख रहा हूं, ये वाला बंद और ये वाला बंद, ये दोनों संयोजक हैं जो है ये एन पूरा कर रहा है, क्योंकि एक ई एन दो बंद बनाता है, क्योंकि ये द्विदंतुक लिगेंड है। बचा क्या, सी एल, तो एक सी एल यहां पे, एक सी एल यहां पे, ठीक है, तो ये एक साथ पूरा ब्रैकेट लगाओ और इसके ऊपर लिख दो प्लस, कौन सा रूप हो गया, समपक्ष रूप। अब इसका मुझे विपक्ष रूप बनाना है, तो विपक्ष रूप में वैसे ही गौर कर लो, बहुत आसान है, एक ही बार आपको अच्छे से देखना है बस, उसके बाद तो अपने आप बना करेगा, ये चार बंद और फिर ये दो बंद, छह बंद हो गए, समन्वय संख्या छह में छह बंद बनते। आप एक चीज और नोट किया करें कि जैसे मेरा मार्कर चल रहा है आपका पेन भी वैसे ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बनाना शुरू करो तो आप पहले ब्रैकेट लगा दो, प्लस लगा दो, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, ऐसे नहीं, जैसे मैं बना रहा हूं मैंने पहले ये बनाया है, आप भी पहले यही बनाए। अब एक ई एन दो बंद पूरे करता है, तो एक ई एन में यहां पर बना रहा हूं, ये वाले दो बंद पूरे कर रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, एक इसका विपरीत विपक्ष रूप बना रहे हैं, तो एक बंद यहां पर एक बंद यहां पर, विपरीत तभी होगा, यहां पर सी एल और यहां पर सी एल, तो इसका ये जो है रूप वो कौन सा हो गया, विपक्ष रूप हो गया। इस तरीके से इसका समपक्ष और विपक्ष रूप आपको बनाना है, ये 12th के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर यहां पर बी सी हो जाता तो भी आप कर लेते बी आर और सी एल, ठीक है, और अगर यहां पर ये बी टू ही रहता, यहां पे ए बी हो जाता तो भी कर लेते, ए बी के अंदर यहां पे ग्लाइसिनेटो लिखते बस, जीएलवाई जीएलवाई ग्लाइसिनेटो लिखते बस, तो इस तरीके से इनमें भी ज्यामितीय समावयवी बन रहे हैं, सबके दो दो रूप बन रहे हैं। उम्मीद है मुझे कि आप अच्छे से सीख गए हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं कंपटीशन के क्वेश्चंस की, सीधे जो क्वेश्चंस हैं सीधे बिल्कुल स्ट्रेट आपको सीधे आंसर जिनके देने हैं, नोट करें, आपके पास आपने ये बनाया, मैं ऐसे लिख रहा हूं एम ए फॉर बी टू, या पहले मैं बनाता हूं एम ए सिक्स, इसमें ज्यामितीय समानता पाई जाएगी, बिल्कुल नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इसका समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनेगा। दो एम ए फाइव
बी के अंदर पाई जाएगी क्या? नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इसका भी समपक्ष और विपक्ष रूप नहीं बनेगा। और एम ए फोर बी टू में पाई जाएगी क्या? बिल्कुल पाई जाएगी, अभी हमने बढ़ाई है। और इसके कितने रूप बनेंगे, ज्यामितीय रूप कितने बनेंगे? दो, एक समपक्ष और एक विपक्ष। अच्छा, फिर मैंने बनाया एम ए फोर बी सी में पाई जाएगी क्या? बिल्कुल, इसमें भी ज्यामितीय समानता पाई जाएगी। इसके भी कितने रूप बनेंगे? दो रूप बनेंगे। आप लिख रहे हैं दो तीन चार पांच, एम ए फोर ये दोनों हो गए, एम ए थ्री बी थ्री में इसमें ज्यामितीय समानता पाई जाती है क्या? बिल्कुल पाई जाती है, दो रूप बनते हैं। इसमें समपक्ष जो बनता है उसको फेशियल कहते हैं, विपक्ष जो बनता है उसको अपने रेखांशिक कहते हैं, मर आइसोमर कहते हैं। छह नंबर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको चेंज कर रहा हूं। देखो एम ए या ठीक है एम ए थ्री बी टू और सी, यहां से आपको नोट करना है बस ये याद, ये कंपटीशन की बात चल गई। अब यहां तक तो आपका ट्वेल्थ हो गया, यहां से आपका कंपटीशन चल चुका है क्या? एम ए थ्री बी टू सी, ये हो गया। आप नेक्स्ट बनाओ, अब क्या करो बी को भी खोल दो, बी को खोल दोगे तो आपका सातवां एग्जाम्पल बन जाएगा एम ए थ्री बी सी और डी। पहले मैंने देखो बी थ्री था, बी थ्री को खोला किसमें? बी टू और सी में। अब बी टू को खोल दिया, बी सी और एक तीन बढ़ जाएंगे ना, दो बी और एक सी, तो अलग अलग कर दिए, तो बी सी डी हो गया। आठवां एग्जाम्पल देखो, आपको बनाना आना चाहिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं, फिर ये तीन अलग हो गए, अब इसको भी अलग करो। मैं लिखा एम ए टू बी टू और सी टू, ये एग्जाम्पल बनाया मैंने। फिर आप देखो, अब मैं सी टू को खोल रहा हूं, एम ए टू, यहां पर तीन वाले चलो यहां तक खत्म कर लो, फिर यहां से दो दो वाले शुरू हो गए हैं। सी को खोलो, बी टू रहेगा, सी को खोलोगे तो एक सी हो जाएगा एक डी हो जाएगा। फिर आप एम ए टू बी को खोलो तो ये टोटल चार बनने चाहिए, बी सी डी ई, चार हो गए। अच्छा, अब ए को भी खोल दो, ए को खोल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? एम ए बी सी डी और ई, इस तरीके से ये एफ, इस तरीके से ये बन जाएगा आपके पास। तो ये आप नोट करो कि यहां पर इसके ज्यामितीय रूप बनेंगे तीन चार पांच छह, इसके नौ और इसके पंद्रह। बस इसका सीधा ही प्रश्न यही आएगा कि भाई इनके सबके तो दो दो रूप पाए जा बन रहे हैं, लेकिन एम ए थ्री बी टू सी, बी थ्री को मैंने बी टू और सी में लिख दिया, तो इसके कितने रूप बनेंगे? तीन, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बी टू को खोल दोगे तो बी सी डी बन जाएगा, इसके रूप कितने बनेंगे? चार। अब ए को टू में ले आओ, ए टू लाओगे तो बी टू और सी टू हो जाएगा, इसके कितने रूप बनेंगे? पांच। सी टू को खोलो, सी डी, छह। बी टू को खोलो, बी सी डी, क्योंकि चार हो गए ना, बी टू और सी डी चार हो गए, तो चार बी सी डी ई चार हो गए। और ए को खोल दो तो ए बी बी सी डी ई एफ, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर अगर तीन एक दंतुक लिगंड एक जैसे हो, दो एक जैसे हो और एक एक जैसा हो तो तीन रूप बनेंगे, और तीन एक जैसे हो, एक अलग हो फिर अलग हो फिर अलग हो तो चार रूप बनेंगे, दो अलग हो दो अलग हो दो अलग हो तो पांच रूप बनेंगे, दो अलग हो फिर एक अलग हो फिर एक अलग हो तो छह रूप बनेंगे। ये चीज अगर किसी को किसी ने मतलब कंपटीशन देखना है, सीधा आंसर आता है, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स लिखा होगा और उसमें पूछा होगा कि इसके कितने ज्यामितीय रूप बनेंगे, तो आपको बस चेक करना है कि ये किस तरीके का है। फिर एक एग्जांपल मैं बताता हूं। देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, मैंने क्वेश्चन दिया कि सी ओ ई एन की ट्वाइस एन एस थ्री एच टू ओ सी एल और बी आर, ये मेरे पास एक संकुल है, बताओ इसमें कौन सा ज्यामितीय रूप, कितने इसके ज्यामितीय समावयवी पाए जाएंगे। तो आप इसको देखो पहले ये किस तरीके का है, ये दो एक दंतुक लिगेंड जो है, सॉरी इसको मैं ऐसे कर देता हूं यहां पर कि मैंने लिख दिया एक दंतुक लिगेंड लिखने ना अपनों ने, एक दो तीन चार अलग अलग हो गए और दो एक जैसे लिखने अपने को, दो एक जैसे लिखने हैं तो मैंने कोई भी दो एक जैसे लिख देता हूं मैं यहां पर NO2 एक जैसे लिख दिया। अब ये मैंने लिख दिया तो आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे इसका मतलब ये दो एक दंतुक लिगेंड एक जैसे, तो A2 हो गया, ये सारे अलग अलग हैं तो B C D E ये धातु होगी, तो ये किस तरीके के एग्जाम्पल बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो कितने समावयवी बनेंगे? नौ बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो आंसर आना चाहिए।
इस तरीके से इनमें से आपको और कोई चेंज कर दिया, इस तरीके से क्या दिया कि बताओ इसके कितने ज्यामितीय रूप बनेंगे। आपने आपको कह दिया कि CO NS3 की ट्वाइस, H2O की ट्वाइस, Cl2 की ट्वाइस, बताओ इसके कितने ज्यामितीय रूप बनेंगे। आप देखोगे ये कैसा बन गया, A2 B2 C2 पांच, तो पांच बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, ये सारे कंपटीशन के लिए, यहां तक आपके लिए 12th के लिए था, ये सारा कंपटीशन के लिए है, आपको देखते ही आंसर देना है। इसीलिए मैंने कहा था कि कल की क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, अगर द्विदंतु ग्लियड आ जाए तो उनके दो दो रूप बढ़ेंगे, मैंने आपको वो बता ही दिए हैं। तो ये ज्यामितीय समावयवता की क्लास हुई कंप्लीट। कल प्रकाशिक समावयवता की क्लास है, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके भी उसको भी समझना बेहद जरूरी होगा। तो बच्चों इसको, ये जो मैंने चार्ट बनाया है ये अच्छे से नोट कर लेना, ये क्या है, इनके ज्यामितीय रूप है, इनके दो दो बढ़ेंगे, इसके 3, 4, 5, 6, 9, 15। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बात आप नोट करें कि YouTube पर बहुत सारी वीडियोज है, आप सभी देख सकते हैं, आप उनमें और हमारी क्लास में क्या कंपैरिजन करेंगे कि अपनी क्लास एकमात्र क्लास ऐसी है जिसके अंदर रेगुलर क्लास चल रही है, जैसे कोचिंग की या स्कूल की क्लास जैसे चलती होती है वैसे चल रही है, अदरवाइज बाकी जो वीडियोज है उनमें बीच बीच में से टॉपिक करवा रखे हैं, पूरा चैप्टर नहीं करवा रखा है, किसी ने एक चैप्टर को एक ही दिन में पूरा कर रखा है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हम डे बाय डे जैसे रेगुलर क्लास लग रही है वैसे हम क्लास लगा रहे हैं। इसलिए ये जो घर पे बैठे बच्चे हैं उनको आपको डेली एक स्कूल की तरह क्लास मिल जाएगी, कोचिंग की तरह क्लास मिल जाएगी, तो आप साथ के साथ पढ़ते रहें। एक चीज और आप नोट करें बच्चों कि हम थ्योरी और कंपटीशन को कवर करते हुए चल रहे हैं, कल प्रकाशिक समावयवता करवाने के बाद मैं इससे रिलेटेड सारे कंपटीशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, वीडियो शेयर जरूर करनी है, हर बच्चा एक बच्चे को शेयर कर दो, एक सब्सक्राइबर बढ़ा दें, उससे क्या होगा कि एक सर्कुलेशन अपने आप बन जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।